मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टेंस में आगे लिखने वाले हैं द वर्ब बी। जैसे वर्ब हम लोग पढ़े थे तो उसमें बी के बारे में स्टडी किया था, बी में क्या क्या वर्ब आते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में और सिंपल फ्यूचर टेंस में हम बी का क्या यूज करते हैं, कहाँ यूज होता है ये हम देख लेते हैं। अगर हमारा टेंस क्या हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, आई के साथ मीन्स एम आर इज बनाते हैं, इज एमआर का यूज करते हैं, क्या करते हैं मीन्स एम आर, ये तीन यूज होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ओके, एम का यूज हमेशा एम के साथ करते हैं, वी यू दे के साथ आर का यूज करते हैं, शील के साथ इज का यूज होता है। अब आते हैं सिंपल पास्ट टेंस के, आई के साथ सिंगुलर के साथ वॉच का यूज करेंगे और प्लूरल के साथ वर्ड का यूज करेंगे। आई क्या हमारा सिंगुलर पॉज करेंगे, वी वर्ड हो जाएगा, यू के साथ वर्ड यूज होगा, ही शी ए के साथ वर्ड एंड दे के साथ वर्ड का यूज करेंगे। नेम्स जितने होंगे उनके साथ वॉच का यूज करेंगे। ओके, अब आते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में, आई और वी के साथ विल शैल बी, विल बी शैल बी का यूज होता है दोनों के साथ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अगर कहीं पर फॉर्म को एकदम कन्फर्म चीजें हो तो शैल बी आई के साथ कहीं हो जाता है, और वी के साथ भी शैल बी होता है अगर कोई चीज कन्फर्म चीजें होती हैं तो। अदरवाइज सिंपली आई के साथ विल लगाते हैं, और वी के साथ शैल बी लगता है, दोनों मतलब होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ही शी इट दे इन सभी के साथ क्या यूज करते हैं, विल बी का यूज करते हैं इस टेंस में, सिंपल फ्यूचर टेंस में। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डू का यूज अकॉर्डिंग टू टेंस। हमने वर्ब पढ़ा था ना डू और डज, अब अकॉर्डिंग टू टेंस हम क्या उसमें चेंजेस करते हैं।